ओम शांति। मेरा नाम अन्नू है, मैं यहीं जोगिंदर नगर की रहने वाली हूँ। मुझे इस ज्ञान में चलते हुए 7 साल हो चुके हैं और इन 7 सालों में मेरा जीवन इतना बदल गया है कि मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। मैं जब इस ज्ञान में चली थी तो बहुत ही छोटी सी उम्र थी मेरी, छोटे छोटे बच्चे थे और मेरे युगल थोड़े से व्यसनों में लीन थे, जिससे मेरा जीवन जो था वो बहुत ही दुखी था। पर जैसे ही मैं यहाँ आई, जिस दिन पहले दिन आई थी, यहाँ कोई फंक्शन चल रहा था और मैं आई थी, और जब मैं बाबा के कमरे में गई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ बहुत बार आ चुकी हूँ और मेरा कोई कनेक्शन है यहाँ से। इसलिए जब मैं वहाँ आई, फिर बैठी मैं, फिर उसके बाद मैंने 7 डे का कोर्स किया, तो उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे जो अंदर हमारे बहुत ज़्यादा कमियाँ होती हैं, कोई गुस्सा, कोई क्रोध, क्योंकि हमारी लाइफ ही ऐसी बन गई हुई है आजकल के टाइम में, तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ने लगा। मैंने मेडिटेशन सीखा यहाँ पे, मैं रोज़ मुरली सुनने आती थी, मेरे अंदर एक डर की बहुत बड़ी भावना थी, वो डर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। मुझे अपने घर में अपने घर वालों से ही बहुत ज़्यादा डर लगता था, पता नहीं क्यों लगता था, मैं नहीं जानती। पर जैसे ही मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, बाबा ने मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव करवाए, इतने अनुभव किए, उससे तो मेरी लाइफ बिल्कुल ही टोटली ही चेंज हो गई। मेरे युगल इतना ज़्यादा शराब पीते थे, शायद मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए, पर आज मौका मिला है तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी। और मुझे प्रताड़ित भी बहुत ज़्यादा करते थे और मैंने पर कभी भी इसके मतलब विरुद्ध आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर, पर बस बाबा के साथ योग लगा लगा के आज मेरे युगल बिल्कुल ही चेंज हो चुके हैं और उनकी वजह से मेरी लाइफ भी बिल्कुल चेंज हो गई है। मेरे बच्चे भी इस ज्ञान में चलते हैं, यहाँ तक कि मैंने अपनी मम्मी, पापा, भाई, बहन सबको ज्ञान में चलाया। आज मेरी मम्मी मुझसे भी आगे निकल चुके हैं, क्योंकि मैं थोड़ी सी बंधनों में फंसी हुई हूँ और मेरी मम्मी तो बहुत ही ज़्यादा इसमें आगे चल चुके हैं। मेरे मायके में लगभग सभी ही इस ज्ञान में चले हुए हैं। मेरी सास पैरालाइज हैं, मैंने उनको घर में योग करवाया, उनको 7 डे का कोर्स करवाया, रोज़ मुरली भी सुनाती थी, तो उनको भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है, पर शायद उनका पार्ट इतना नहीं है। पर मेरी मम्मी जो हैं वो आज शायद बहुत काफ़ी आगे हैं, मैं बहुत पीछे रह गई हूँ। मैं उनकी टीचर बनी थी पर वो आज मेरे टीचर बन चुके हुए हैं, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हुए हैं। और मैं सब अपनी यूथ को, जितने भी लोग हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि आपको आना चाहिए, कम से कम एक बार आओ, यहाँ देखो कि यहाँ पर क्या बताते हैं, क्या हमारी लाइफ कैसे चेंज होती है। मेडिटेशन आकर सीखें तो उनसे उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो अनुभव मैंने किया है तो मैं चाहती हूँ कि सब करें, जो भी हैं वो आएं यहाँ पर, क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है तो उससे हमारे जीवन में कितना दुख हो गया, सबसे ज़्यादा तो डिप्रेशन आ गया है लोगों की लाइफ में, तो उससे मेडिटेशन अगर सीखेंगे तो मतलब उनको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जो सुख मैं ले रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी भाई बहन हैं वो सभी सुख की अनुभूति को प्राप्त करें। ओम शांति।